हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और घरों में रहिए, बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए। टेक्निकल इंडिया में आपका स्वागत है। बिना देर के बात करते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक होने वाला है MI के फोन के ऊपर, जो कि फ्लैगशिप की रेंज में कूद रही है, फ्लैगशिप बनने की कोशिश कर रही है ये कंपनी MI, लेकिन बन नहीं पा रही है और नहीं बनेगी यदि वो यही गलती करती रहेगी। तो मैं ये बताऊंगा आपको 50,000-60,000 जो कि बहुत ज़्यादा रुपये होते हैं, MI के फोन के ऊपर खर्च करने चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग YouTube पे वीडियो देख के ले लेते हैं फोन्स 60,000-70,000 के, रेडमी के फोन, MI के फोन आ रहे हैं, तो इतने रुपए इन्वेस्ट करें इन पे क्या सही है? तो बात करेंगे इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें आपको बताऊँगा कि आपको इन फोन में इन्वेस्ट करना है या नहीं, क्योंकि 80,000-70,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। और आपको पता है वन प्लस, सैमसंग और एप्पल तीन फ्लैगशिप कंपनियां जो कि सबसे ज़्यादा बिकती हैं और सच में बहुत अच्छी कंपनियां, बहुत अच्छे इसके फ़ोन्स होते हैं। यदि आप इतने रुपये इन पर खर्च करोगे तो कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन जो MI कंपनी है वो बेसिक स्नैपड्रैगन 888 दे दे, कितनी ही अच्छी डिस्प्ले दे दे, कितना ही अच्छा कैमरा दे दे, लेकिन OS जो है मेन पार्ट होता है, आपको पता नहीं OS क्या होता है? तो MIUI आता है, MI फोन्स में एप्पल में iOS आता है। OS जो आप यूज़ करते हो यदि वो ऑप्टिमाइज्ड है तो आपका फ़ोन स्नैपड्रैगन 720G हो, 730G हो, उस प्रोसेसर पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा आपको। यदि आपका OS ऑप्टिमाइज्ड है, ऑक्सीजन OS सबसे बेस्ट माना जाता है एंड्रॉयड में, OneUI और गूगल का स्ट्रोक एंड्रॉयड, लेकिन MIUI रियलमी UI बहुत ज़्यादा एड्स आते हैं और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज ही नहीं है। तो अब 15,000-20,000 तक तो ठीक है MI के फ़ोन्स, रेडमी के फ़ोन्स, क्योंकि दिख जाता है वहाँ। तो 80,000-80,000 में यदि आपको इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं करने चाहिए। यदि आप सोच रहे हैं इसमें भी स्नैपड्रैगन 888 मिलता है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगा, प्रोसेसर बहुत अच्छा है, आप ये सोचते हो परफॉर्मेंस तो हमें बहुत तगड़ी मिलेगी, ऑक्सीजन OS जैसी, वन प्लस जैसी, उसमें ऑक्सीजन OS है, सैमसंग जैसी, एप्पल जैसी नहीं। यदि आप YouTube पे जाके बिल्कुल देख लीजिए आप MI 11 अल्ट्रा से परफॉर्मेंस टेस्ट विद ऑक्सीजन OS, आपको एक जर्क मिलेगा देखने को। जर्क क्या होता है? आप ऐप लोड करोगे, ओपन करोगे तो आपको हैंग होगा हल्का सा फोन, जो कि 888 प्रोसेसर में, 865 प्रोसेसर में, इतने हाई लेवल फ़ोन में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और होगा वो क्योंकि MIUI इज़ नॉट वेल ऑप्टिमाइज्ड, MIUI बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। तो मेरा कहना बस आपसे इतना ही, यदि आप फ़ोन ले रहे इतना महंगा तो मेरे हिसाब से आप MI कंसिडर मत कीजिए, आपको लेना वन प्लस लीजिए, सैमसंग लीजिए, एप्पल लीजिए। तो इतना ही था आज की वीडियो में। एक अच्छी लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।